नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। और इस चैनल के ऊपर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहीं नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और पसंद आए वीडियो आखिर में तो लाइक जरूर कीजिएगा। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा, और बाजार ने ली छलांग। निफ्टी ऊपर गई, 9600 से ऊपर ट्रेड किया, वापस बाजार नीचे आया, सस्टेन नहीं किया। बाजार क्या ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये पूरा का पूरा पैकेज मार्केट को आज मिल गया है? जी नहीं, प्रधानमंत्री ने कल साफ कर दिया था कि ये पैकेज की घोषणा हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो आपको समय समय पे उसकी जानकारी देती रहेंगी, और कुछ जानकारी उन्होंने आज भी दी। दोस्तों, जो MSME है उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस है, सरकार ने बहुत क्लियरली कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कल बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हमें अगर वर्ल्ड में एक महाशक्ति बनना है तो हमें मेक इन इंडिया के ऊपर जोर देना ही होगा। दोस्तों, एक स्लोगन निकल के आता है, वी इंडियन बाय इंडियन फॉर द इंडियंस। दोस्तों, ये प्राउड फील करने वाली बात है कि ऐसे समय में जब COVID-19 से पूरा वर्ल्ड चरमरा गया है, पूरा वर्ल्ड परेशान है, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि हम एक महाशक्ति बनने के लिए इस मौके को अवसर की तरह देख रहे हैं। दोस्तों, जो इंसान एक अंधेरे में उजाले को देखने की कोशिश करे वही अच्छा लीडर होता है, और हमें गर्व है हमारे देश में एक ऐसे लीडर हैं। दोस्तों, मैं किसी पार्टी विशेष की यहाँ पे तारीफ नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हाँ, इस समय में जो हमारा प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री प्रधान सेवक जो अपने आप को कहता है, उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये कह दिया दोस्तों कि हमारा देश महाशक्ति होगा, और मैं इसके पूरी वकालत करता हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ, समझता हूँ, और आपको हमेशा से अपने पुराने वीडियोज में कहता हूँ। चलिए, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले BHEL की, जो 25% से ज्यादा आज के ट्रेडिंग सेशन में चला, 25% से ज्यादा। दोस्तों, क्या हम भी ऐसी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि क्या आपने BHEL खरीदा? अगर खरीदा है तो आगे आने वाले समय में उसका टारगेट क्या हो सकता है? चलिए, हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इस वीडियो में पहले थोड़ा देखेंगे कि BHEL क्या है, उसकी प्रेजेंस क्या है, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। Why BHEL is the best choice for make in India? जी हाँ, जिस बात की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, make in India, क्या उसमें BHEL की कोई भागीदारी हो सकती है? इसमें इतनी delivery based buying हो रही है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। चार्ट देखने की कोशिश करेंगे, अपनी जो swing trading की strategy है उसको discuss करेंगे। यहाँ पे टारगेट्स देखेंगे कि आने वाले टाइम में टारगेट्स क्या हो सकते हैं। चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत प्रिसाइज है, बट आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी प्रेजेंस क्या है। दोस्तों, इसमें अगर आप भारत के नक्शे को देखें तो 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट साइट्स हैं इंडिया और इंडिया के बाहर भी, 4 रीजनल ऑफिस हैं, 2 रिपेयर यूनिट्स हैं, 15 बिजनेस ऑफिसेज हैं और 8 सर्विस सेंटर्स हैं। शायद ही आपको कोई ऐसी जगह दिखाई दे रही होगी हिंदुस्तान में जहां BHEL की प्रेजेंस ना हो। आप सोचिए, हम उस नवरत्न महारत्न कंपनी की बात कर रहे हैं जो सरकार की दिग्गज कंपनी है, और इसका नाम ऐसे ही हैवी नहीं है, BHEL में H means heavy, okay? तो ये हैवी वेट स्टॉक है। ये क्यों पसंद हो सकती है मेक इन इंडिया की, इसको आगे देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। बहुत क्लियर सा एक एक्सप्रेशन दिखाया है BHEL ने, इस स्टेटमेंट को बहुत क्लियरली समझने की कोशिश कीजिए कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर ग्लोबल OEMs, OEMs वो होते हैं जो कोर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे कोर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट एक OEM है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को पैदा करता है, जो पैदा करने वाले, मतलब बेसिकली चाइना की अगर बात करने की कोशिश करें तो वहाँ बहुत सारी OEM कंपनीज थी जिनके ऊपर डिपेंडेंट थे। अब यहाँ पे अगर महाशक्तियों में गिना जाए तो जापान बहुत बड़ा नाम है। जापान से हमारी लगातार बातचीत चल रही है, आपको मालूम होना चाहिए 1000 से ज़्यादा उनकी कंपनी से बात हो रही है, और बहुत सारी स्टेट्स अपने यहाँ पे ज़मीन देने की बातें कर रही हैं। दोस्तों, इस कदम में BHEL बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करेगा, क्योंकि ऐसे OEM मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जितनी भी हैं उन सबसे BHEL डायरेक्ट बातचीत कर रहा है। उसने अपने एक्सप्रेशन दिखाया कि हम आपकी कहां का मदद कर सकते हैं, वो कहां कहां उनकी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले लैंड बैंक एक्विजिशन, अगर जमीन चाहिएगी तो वो BHEL आपको मुहैया करा के दे सकता है। सिलिकॉन टू सोलर मॉड्यूल, दोस्तों IT की बात हो या सोलर मॉड्यूल्स की बात करने वाली हो, यहाँ पे BHEL बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फॉर EVs, EVs मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दोस्तों, हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले टाइम में आग लगा देंगे, बहुत जबरदस्त डिमांड होगी। जी हाँ, डिमांड होगी। टाटा मोटर्स उनमें से एक पसंदीदा शेयर है मेरा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चलते मेरा फेवरेट शेयर बना हुआ है, और यहाँ पे भी BHEL उनको लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है बहुत बड़े पैमाने पे। LCD पैनल्स और मोबाइल TV के लिए पार्टनरशिप ऑफर की गई है, जिस चीज के ऊपर चाइना पे हम डिपेंडेंट हैं,
वहीं BHEL ने वर्ल्ड की कंपनीज को कहा है, दोस्तों आइए हम आपको LCD पैनल्स और मोबाइल टीवी के ऊपर पार्टनरशिप करना चाहते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट में आपको पार्टनरशिप ऑफर करते हैं, हम हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आपको पार्टनरशिप ऑफर करते हैं, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रोसेस्ड प्लांट इक्विपमेंट्स। दोस्तों ये वो सारी चीज़ें हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने में चाहिए होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो BHEL को BHEL लिटरली हैवी बनाती हैं। और BHEL ही एक ऐसी कंपनी है जो हालांकि कंपटीशन BHEL के पास भी बहुत सारा है, बट क्योंकि सरकार की नवरत्न कंपनी है, कॉस्ट इफेक्टिव कंपनी होगी और इसी के चलते ये फेवरेट कंपनी हो सकती है, जिसके चलते शेयर में आज बहुत भारी उछाल देखने को मिला। दोस्तों चार्ट पे भी आएंगे, पर सबसे पहले मेरी आपसे इस चार्ट के ऊपर नजर डालने की गुजारिश है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये मैंने एक वीकली डिलीवरी बेस सेक्शन, मतलब पिछले एक हफ्ते के आसपास का डिलीवरी बेस सेक्शन देखा है BHEL में, आपके सामने लेके आया हूँ। ये सारा डेटा दोस्तों NSE की वेबसाइट पे मिल जाता है। यहाँ डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात की, देखिए टर्नओवर की बात कीजिए, अगर मैं 28 अप्रैल से लेकर 12 मई कल तक का डेटा है, आज का डेटा अपलोड हो जाएगा, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक ये डेटा अपलोड नहीं हुआ था, पर अगर 28 अप्रैल को दिखाया जाए, 28 अप्रैल को यहाँ पे देखिए 10 करोड़, मतलब 32,55,00,000 की टोटल टर्नओवर हुई थी, जिसमें से 42 लाख शेयर्स डिलीवरी हुई, 27% की डिलीवरी हुई, उसके बाद 40% की डिलीवरी, पर अगर हेल्दी डिलीवरी को देखा जाए तो 25-30% के आसपास की डिलीवरी लगातार चल रही थी। 12 मई को 1,74,00,000 शेयर्स की डिलीवरी हुई है, 41% डिलीवरी। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त फिगर आपको दिखाई दे रही है, 1,74,00,000, उससे पहले 1,68,00,000, 1,36,00,000, 1,45,00,000, 3 करोड़, 2 करोड़, मतलब BHEL के अंदर में लगातार डिलीवरी किस भाव से, 20 रुपए के भाव से 23 रुपए तक खूब सारी डिलीवरी हुई है, जबरदस्त डिलीवरी हुई है। दोस्तों क्या हम इसको पकड़ सकते थे, हमारा सीक्रेट सेटअप, क्या हमारी स्विंग ट्रेडिंग इसको पकड़ सकती थी, देखेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों एक और चीज दिखाने की कोशिश करता हूं, आज की इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट तो आपके लिए इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको ढूंढने ना पड़े, आज की वॉल्यूम देख रहे हैं दोस्तों, 30 करोड़ के आसपास के टर्नओवर, 30,96,86,000 के टर्नओवर, उसमें 7 करोड़ की डिलीवरी, 7 करोड़, 23% की डिलीवरी है, हालांकि कल 41% की डिलीवरी हुई थी, 41% की जो डिलीवरी हुई थी वो थी 1,74,00,000 शेयर्स की, 1,94,97,510 शेयर्स की, और आज मात्र 23% की डिलीवरी, परसेंटेज टर्म्स में 23% दिखाई दे रहा है, बट डिलीवरी क्वांटिटी 7 करोड़ से ज्यादा शेयर्स की। क्या हमें ये मौका था हमारे सामने, क्या हम इसको पकड़ सकते थे, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके और टारगेट्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों चलिए पहले अपने स्क्रीन पे चलते हैं, चार्ट देखते हैं, चार्ट पे हमारा सेटअप क्या कह रहा था, हमारी स्विंग ट्रेडिंग हमें क्या कह रही थी, चलिए इस चार्ट के ऊपर चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों ये बिल्कुल एक सिंपल चार्ट है जो मैंने आपको रिलायंस के ऊपर, जो मैंने हिंदुस्तान लीवर के ऊपर आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों कोई भी इतनी जबरदस्त स्ट्रेटजी आपको नहीं बताएगा, देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप इसको एक घंटे पे लगाइए, आप एक दिन पे लगाइए, सब पे जबरदस्त काम करता है। यहाँ इंट्राडे की अगर बात करें, यहाँ पे एक हमें क्रॉसओवर ब्रेक, बाइंग क्रॉसओवर हमें कल दिखा था 21.50 रुपये के आसपास से भी शेयर क्लोज हो रहा था, उससे पहले ही 3 से 3.25 के बीच में हमें एक बुलिश क्रॉसओवर होना शुरू हो गया था, 5, 8 और 13 की जो 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला, वॉल्यूम्स जबरदस्त देखने को मिली थी, यहाँ समझ जाना चाहिए था कि वॉल्यूम होने वाली है। दोस्तों कल की वॉल्यूम्स बहुत आई थी और आज पूरे दिन सिर्फ वॉल्यूम ही वॉल्यूम है, जबरदस्त ब्रेकआउट, 15 मिनट का ब्रेकआउट, प्राइस देखिए 21 रुपये, बिल्कुल लो पे आपको बाय करने को मिला है। अगर इसको आवर्ली चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो आवर्ली चार्ट पे भी सेम 21.50 रुपये के आसपास में हमको वो ब्रेकआउट मिल गया। दोस्तों यहाँ 23 रुपये का आया था, 21 रुपये का लो था, मतलब 22 रुपये के आसपास की क्लोजिंग थी, यहाँ से ब्रेकआउट। और आप जरा वॉल्यूम बार पे नजर डालिए दोस्तों, वॉल्यूम बार में सिंगल सेलिंग नहीं है, सिंगल रेड बार नहीं है, 7 करोड़ से ज्यादा की डिलीवरी, आप सोच सकते हैं, मतलब जिस शेयर को बड़े बड़े लोग स्मार्ट मनी बाय कर रहे हो, मेक इन इंडिया से जोड़ा जा रहा है, उस मेक इन इंडिया से जिसमें 20,00,000 करोड़ के राहत पैकेज की बात हो रही हो, जहां हम हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों BHEL बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है हमारे हिंदुस्तान को चमकाने के लिए, ये वो स्ट्रेटजी है दोस्तों जो आपको बता चुका हूं, प्लीज इसको इस्तेमाल कीजिए, पैसा बनाइए, पैसा छापिए, और प्रोफेशनल चीज़ें और प्रोफेशनल सीखना, तो क्लासेज वहीं होती रहती हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर आ जाएगी, पर जब तक नहीं क्लास हो रही है, जब तक आप पैसा बनाइए, फ्री की स्ट्रेटजी आपको दे रहा हूं, और ये स्ट्रेटजी को देखिए प्लीज, यहां पे जबरदस्त ब्रेकआउट था, जबरदस्त ब्रेकआउट, 1 आवर पे आपको ब्रेकआउट मिला, आपको 15 मिनट पे वो ब्रेकआउट मिला, बहुत जबरदस्त है। अब बात आती है कि क्या हमें अभी इसमें बने रहना चाहिए, अगर बने रहना है तो दोस्तों एक डिस्क्लेमर के साथ कि ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो आपसे स्टडी कर रहा हूं, मैं आपके सामने इसके टारगेट रखना चाहूंगा,
सात करोड़ की जबरदस्त डिलीवरी के बाद में ये शेयर का प्राइस टारगेट क्या हो सकता है, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। प्लीज दिस इज माय ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी एंड शेयर्ड ओनली फॉर रेफरेंस एंड लर्निंग पर्पस। एब्सोल्युटली यस, आपके रेफरेंस के लिए दे रहा हूं, अपनी स्टडी कर लीजिएगा, हो सकता है मेरी स्टडी गलत हो। यहां टारगेट्स निकालने के लिए अपना सीक्रेट कैलकुलेटर इस्तेमाल करता ही करता हूं एंड आई एम इंडियन स्ट्रांग बाय विद स्टॉप लॉस बिलो 22 रुपीज, 22 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस पूरे साल के लिए, 22 रुपए से नीचे की जहां क्लोजिंग आए वहां पे आपको इससे एक बार एग्जिट हो जाना चाहिए। 22 रुपए की अगर क्लोजिंग नहीं आती है तो मेरे हिसाब से इसके जो इस साल के टारगेट रहने वाले 33 रुपीज, 43 रुपीज एंड 69 रुपीज इन जस्ट वन ईयर। मतलब पैसा 22 रुपए से अगर 70 रुपए चला गया तो सोचिए पैसा कितना हो सकता है। दोस्तों जो इस सेटअप पे काम कर पाए, जिसको इस सेटअप पे भरोसा था, उन्होंने पैसा छापा, उनकी एंट्री जबरदस्त थी, करेक्ट थी। मैंने अपनी एंट्री कर ली है, मैं अपने टारगेट्स के साथ बैठा रहूंगा, मैं एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करने वाला हूं। क्या आपने वो पोजीशंस होल्ड किए, आने वाला वक्त बताएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, बताइए कि इस चैनल पे कितनी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।